हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अन अकेडमी, लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएसए। ठीक है, माई सेल्फ अजय सिंह। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमारी जो टीम है वो पूरी प्रिपेयर हो चुकी है। ठीक है, आपके जो भी फाउंडेशनर के एग्ज़ाम हैं उनके लिए, ठीक है, चाहे वो एनटीएससी हो, चाहे वो एनएससीजीएस हो, चाहे पीआरएमओ हो, चाहे वो एनएससीबी हो, चाहे वो एनएससीपी हो, ठीक है, आप इनके रेगुलर बेसिस पे वीडियो लेक्चर्स भी आप एक्सेस कर पा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो आपका मतलब फाउंडेशन और एनटीएससी की जिम्मेदारी है वो एकदम सॉलिड टिप के हाथों में है। ठीक है, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ अजय सिंह, मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है और अभी तक मैं 20+ एनटीएससी स्कॉलर को मेंटर कर चुका हूँ और 6+ ईयर का मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप मेरा रेफरल कोड जो कि है ASSIRLIV अगर आप यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मेरा टाइमिंग है 3:30 PM मंडे टू संडे और 10 PM मंडे टू संडे। यहाँ पे मैं लाइव रहता हूँ और यहाँ पे मैं प्रीमियर करता हूँ। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, अभी मैं एक नई प्लेलिस्ट चला रहा हूँ जिसमें नंबर सीरीज है फॉर Stage 1 एंड Stage 2 मेंटल एबिलिटी का जो है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब ऑलमोस्ट हर बच्चे के स्कूल के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो जो बच्चा 9 to 10 मूव कर रहा है वो Stage 1 के लिए प्रिपेयर करेगा, जो बच्चा अभी 10th में Stage 1 क्वालिफाई किया है वो Stage 2 के लिए जाएगा। काफ़ी स्टेट्स के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं Stage 1 के। ठीक है, कुछ एक पेंडिंग है, वो विद इन ए वीक सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 24 से जैसे कि मैं PJ सर ने भी बताया, राहुल पंचोली सर भी, हम सब अपने वीडियो लेक्चर्स में बता रहे हैं आप लोगों को कि फ्रॉम द 24th March जो है हमारे Stage 2 की क्लासेस यहाँ पे लगेंगी, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होंगी। ठीक है, तो आप लोगों को मौका नहीं चूकना है। ठीक है, फटाक से आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, अनअकैडमी पे आना है। ठीक है, और आपको रेफरल कोड यूज करना है ASSIRLIV और इससे आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में लाइव टेस्ट एंड क्विजेस वगैरह होते रहते हैं। ठीक है, प्लानिंग जो है वो स्ट्रक्चर्ड रहती है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस रहता है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके इस कोर्स को डिजाइन किया हुआ है, चाहे वो NTSC हो, चाहे NSCGS हो, चाहे PRMO हो, चाहे RMO हो। ठीक है, पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके कोर्स किया गया है। ठीक है, चाहे वो आपके स्कूल एग्जामिनेशन हो, ठीक है, या फिर चाहे आपका 9th और 10th का फाउंडेशन हो फॉर IIT या फिर NEET। ठीक है, टाइम टू टाइम लाइव टेस्ट एंड क्विजेज वगैरह होते रहते हैं जिससे आपको आइडिया लगता रहता है कि आप ऑल ओवर इंडिया में कहाँ पे स्टैंड कर पा रहे हैं, और जो भी मटेरियल है वो आपको PDF की फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा करना है कि आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। देन उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना गोल जो है फाउंडेशन एंड NTSC सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपके सामने टोटल 5 प्लान दिखाई देंगे, 1, 3, 6 एंड 12 एंड 24 मंथ का। ठीक है, मैं ये उन बच्चों को रिकमेंड करूँगा 12th मंथ का प्लान, जो बच्चा 9 to 10th मूव कर रहा है, और ये उन बच्चों के लिए जो बच्चा 8 to 9th मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि मेंटल एबिलिटी फॉर NTSC Stage 1 एंड Stage 2। ठीक है, चैप्टर्स जो हैं वो सारे के सारे मिक्सअप होते हैं। ठीक है, ऐसे अलग अलग चैप्टर्स नहीं है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि लाइक डिफिकल्टी लेवल का फर्क है। Stage 2 का पेपर लेंथी आता है, Stage 1 का पेपर कंपेरेटिवली काफ़ी ईजी आता है। ठीक है, टॉपिक वही है, बट अगर आपने अच्छे से Stage 1 प्रिपेयर किया तो नहीं आप Stage 2 पे जा सकते हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं सीरीज कंप्लीशन, जो कि आज हमारा पहला टॉपिक है, सीरीज कंप्लीशन Part 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे आपको सीरीज कंप्लीशन में नंबर सीरीज में आपको क्या गिवन होगा। आपको 4 से 5 नंबर्स गिवन होंगे। कितने नंबर गिवन होंगे बेटा? 4 से 5 नंबर गिवन होंगे। ठीक है, उन 4 से 5 नंबर में एक नंबर मिसिंग भी होगा, कोई एक नंबर क्या होगा, मिसिंग होगा। उस मिसिंग नंबर को आपको आइडेंटिफाई करना है सच दैट कि जो रिमेनिंग नंबर्स आपको जो गिवन है उनमें एक पर्टिकुलर लॉजिक लग रहा होगा, एक लॉजिक अप्लाई हो रहा होगा, एक फॉर्मूला लग रहा होगा। ठीक है, उसी लॉजिक के बेसिस पे आपको मिसिंग टर्म आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, दो टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है, फाइंड द मिसिंग टर्म एंड फाइंड द रॉन्ग टर्म। फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द रॉन्ग टर्म। मिसिंग टर्म में तो क्या कि आपको एक नंबर मिसिंग होगा उसको फाइंड आउट करना है। रॉन्ग टर्म में क्या होगा कि एक नंबर उस सीरीज से बिलोंग नहीं करता है, मतलब उस नंबर की जगह कुछ और आना चाहिए था, आपको वो आइडेंटिफाई करके देना है। ठीक है, कुछ टाइप के इंपॉर्टेंट पैटर्न है, जैसे आपने पढ़ा होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल सकता है। ठीक है, मतलब अगर पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर ए प्लस डी हो जाए, तीसरा नंबर ए प्लस टू डी हो जाए। ठीक है,
इस टाइप के कुछ पैटर्न चल सकते हैं, या फिर जीपी चल सकता है, ए है, सेकेंड नंबर से कुछ मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड नंबर पे दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए आर क्यूब हो गया, ठीक है, या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड हो रहा हो, ठीक है, जरूरी है ए प्लस वन हो जाए, ए प्लस थ्री हो जाए, ए प्लस सेवन हो जाए, ठीक है, इस टाइप से भी सीरीज आपकी चलती रहती है, ठीक है, हो सकता है डबल करके कुछ ऐड हो रहा हो, ट्रिपल करके कुछ ऐड हो रहा हो, कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड हो रहा हो, कुछ सबट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई हो रहा हो, या कुछ सबट्रैक्ट करके डिवाइड बाय एनी नंबर किया गया हो, ठीक है, तो जो भी पैटर्न होगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आपको आइडेंटिफाई होगा, उसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला तो है नहीं, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है, उसके अलावा आपको सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, कंपोज नंबर के बारे में पता होना चाहिए, हो सकता है आपको कुछ ऐसी मल्टीपल सीरीज भी हो कि मान लो अगर पाँच छः नंबर आपको दे रखे हैं तो हो सकता है कि दो अल्टरनेट में सीरीज चल रही हो, दो अल्टरनेट में सीरीज चल रही हो, ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूँ 1 4 2 5 3 6 4 7, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे बेटा दो सीरीज चल रही है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है 4 5 6 7 8, ठीक है, तो दो सीरीज भी चल सकती हैं, तीन सीरीज भी चल सकती हैं, ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितनी सीरीज चल रही है, ठीक है, वो सिर्फ अपन प्रैक्टिस के बेसिस पे ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर पाएंगे यहाँ पे, आई बात समझ, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली प्रॉब्लम, ठीक है, तो ध्यान रखना कि बेसिक फंडा जो है नंबर सीरीज का सॉल्व करने का, अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आप डिफरेंस लेने की कोशिश कीजिएगा, क्या लेने की कोशिश कीजिएगा, डिफरेंस लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, अगर नंबर अचानक से बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई हुआ होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अप्रोक्स डबल है, अप्रोक्स ट्रिपल है, तो उससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे जो आपको दिया हुआ 1 2 4 8, 1 2 4 8, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हर नंबर प्रीवियस नंबर से 2 मल्टीप्लाई होके बन रहा है, हर एक नंबर प्रीवियस नंबर से 2 मल्टीप्लाई होके बन रहा है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 16, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम था, ठीक है, अब यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला काम जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप डिफरेंस लीजिए, क्या लीजिए, डिफरेंस लीजिए, तो क्या बनेगा 3 5 7 एंड 9, ठीक है, तो डिफरेंस के अंदर एक एपी बन रही है 3 5 7 9, तो अगला क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर बेटा 39 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है 3 5 7 9, नेक्स्ट वन इज 11, दैट विल बी 36, क्या आ जाएगा 36, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक चीज और बोलूंगा बच्चा आप लोगों को कि जब भी डिफरेंस में एपी आप लोगों को दिखाई दे, डिफरेंस के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूँ ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स जो मेरे किसी एक एपी के नंबर है, किसके नंबर है, एपी के नंबर है, ठीक है, तो गारंटी है यहाँ पे कोई ना कोई स्क्वायर का लॉजिक होगा, किसका लॉजिक होगा, स्क्वायर का लॉजिक होगा, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ वाले प्रॉब्लम में, तो ये तो सिंपल सा क्या दिख रहा था मुझे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है, तो नेक्स्ट विल बी 6 स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई स्क्वायर का लॉजिक होगा, बस आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, उस चीज के लिए बेटा मैं ये रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि 1 से लेके 20 तक के आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होनी चाहिए, 1 से लेके 20 तक के परफेक्ट स्क्वायर याद होनी चाहिए, और 1 से लेके 10 तक के आपको परफेक्ट क्यूब याद होनी चाहिए, परफेक्ट क्यूब याद होनी चाहिए, और वहां पे आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए, आई बात समझ में, क्लियर है ये चीज, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखूँ स्टार्टिंग के नंबर को छोड़ के अगर मैं 28 को देखूँ, 28 को बेटा क्या मैं 5 क्यूब प्लस 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 28 जो मेरा नंबर है वो 5 5 स्क्वायर के आसपास है, किसके स्क्वायर के आसपास है, 5 के स्क्वायर के आसपास है, ठीक है, 19 को क्या मैं 4 स्क्वायर प्लस 3 लिख सकता हूँ, 12 को क्या मैं 3 स्क्वायर प्लस 3 लिख सकता हूँ, 7 को क्या मैं 2 स्क्वायर प्लस 3 लिख सकता हूँ, और इन द सेम वे मैं 4 को 1 स्क्वायर प्लस 3 लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे एक लॉजिक और बन रहा है जो कि n² + 3 है, क्या है, n² + 3 है, मतलब किसी एक नंबर का स्क्वायर करो उसमें +3 कर दो, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, अगर उस हिसाब से चलूँ 5 स्क्वायर प्लस 3 तक तो हो गए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 3 जो कि 39 के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बेटा, 39 के इक्वल होगा, ठीक है, तो जो भी अभी आप प्रैक्टिस करो अगर डिफरेंस में कोई एपी बन जाए तो कोशिश कीजिएगा कि वहां पे कोई ना कोई स्क्वायर का लॉजिक है उसको आइडेंटिफाई, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएगी, आप बहुत कम टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, जैसे अगला है 1925 स्लैश क्वेश्चन मार्क एंड 121, ठीक है, तो
तो आप चाहो तो इसको डिफरेंस से भी कर सकते हो, पहला डिफरेंस 8 का है, दूसरा डिफरेंस 9 एंड 16 16 का है, तीसरा डिफरेंस यहाँ पे 24 का आया है, ठीक है। तो पहले 8 का डिफरेंस, फिर 16 का डिफरेंस, सॉरी फिर भी अगेन 8 का, फिर अगेन 8 का 32 करोगे तो 81 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 81, अगेन AP चल रहा है। बाकी अगर मैं ध्यान से देखूँ इस चीज़ को, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है ये 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर विल बी आंसर, और लास्ट में दे रखा है मेरे को 11 स्क्वायर। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से भी अपन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? और ध्यान रखना नंबर सीरीज स्टेज वन की, अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, स्टेज वन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, हर साल कम से कम 8 से 10 प्रॉब्लम पूछे जाते रहे हैं। इवन राजस्थान RBSC के अंदर सीरीज कंप्लीशन पे टोटल 16 प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। कितनी प्रॉब्लम पूछी जाती है? 16, जिसमें से 8 नंबर सीरीज की होंगी और 8 अल्फाबेट सीरीज की होंगी। आई बात समझे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर NTSC। अगर आपको NTSC क्लियर करना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है, ठीक है। तो बात करते हैं अपन अगली प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो बेटा सिंपल सा, अगर मैं इस चीज को देखूँ, डिवाइड बाई 8 हुआ है, फिर डिवाइड बाई 4 हुआ है, फिर डिवाइड बाई 2 हुआ है, फिर डिवाइड बाई 1 हुआ है, और मल्टीप्लाई विथ 2 हुआ है, तो अगला मल्टीप्लाई विथ 4 होना चाहिए था, 16 4 64। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन डी आ जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए, 1 2 3, नेक्स्ट विल बी 4, 4 पे क्या हो जाएगा 11, 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो उसका स्क्वायर का लॉजिक खुद आइडेंटिफाई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला जो प्रॉब्लम है दैट इज 0 2 2 3 3 5 8 4 10, क्वेश्चन मार्क 5 एंड 17, ठीक है। 0 2 2 3 3 5 8 4 10 ब्लैंक 5 17, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बेटा, मैंने बोला था आपको 2 सीरीज चल सकती है, 3 सीरीज चल सकती है। तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे 3 सीरीज चल रही है, ठीक है। पहली सीरीज जो चल रही है वो ये चल रही है 0, फिर हम गए 3 पे, फिर हम गए 8 पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा ये हमको नहीं पता है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस आया 3 का, फिर दूसरा डिफरेंस आया 5 का, तो अगला डिफरेंस 7 का होना चाहिए, ठीक है। या फिर 0 को लिख सकता हूँ मैं 1 स्क्वायर माइनस 1, 3 को लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर माइनस 1, 8 को लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर माइनस 1, तो अगला क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 1, और 4 स्क्वायर माइनस 1 पे क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या ये वास्तव में यहाँ पे 2 सीरीज चल रही थी, तो दूसरी सीरीज का लॉजिक क्या होगा? देखो 2 3 4 एंड 5, तो दूसरी सीरीज तो ये होगी। तीसरी सीरीज जो चल रही है वो क्या है? यहां से उठाया 2, यहां से उठाया 5, फिर आया 10, फिर आया 17। तो ये नंबर जो है ध्यान से देखो, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1 एंड 4 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 3 सीरीज चल रही है, एक सीरीज चल रही है n² - 1 की, दूसरी सीरीज चल रही है n की, और तीसरी सीरीज चल रही है n² + 1 की। आई बात समझ में? तो आपकी 3 सीरीज चल रही थी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। इसको कीजिए फटाक से। ठीक है, अगर आप डिफरेंस देख लोगे बेटा, यहाँ पे क्या लोगे? डिफरेंस लोगे 1 6 13 22 33, ठीक है। तो डिफरेंस लोगे आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, फिर आएगा 11, तो अगला डिफरेंस आना चाहिए 13। 33 प्लस 13 कितना होता है बेटा? 46 होता है, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे डिफरेंस के अंदर AP बन गई है, तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर का लॉजिक होगा। तो 2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 1, 3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर माइनस 3, 3 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 6, ठीक है। 4 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 13, ठीक है।
स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल्स टू 22, 6 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 33, ठीक है। तो अगला जो नंबर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 46, ठीक है। इसको मैं एक तरीके से और सोच सकता हूँ, ये सब जो भी नंबर मेरे को दिखाई दे रहे हैं ये किसी ना किसी परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है, किसी ना किसी परफेक्ट स्क्वायर के आसपास है। तो 33 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 6 स्क्वायर माइनस 3। इन द सेम वे 22 को अगर लिखता तो 5 स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो इससे भी मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि सीरीज का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब याद करने का ये फायदा हो जाएगा कि आप हर एक नंबर को किसी ना किसी वे में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो 8 है, अब 8 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, पहला तो 2 क्यूब भी लिख सकता हूँ या मैं 3 स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 10 है, 10 को मैं 3 स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकता हूँ और 2 क्यूब प्लस 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब कौन सा मुझे यूज करना है ये मेरा डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में बाकी नंबर्स के साथ क्या हो रहा है, बाकी नंबर्स के साथ क्या हो रहा है, ठीक है। अगला देखिए आई थिंक हो गया होगा बेटा, क्या दिया हुआ है, 25, 49, 89, 145, 270, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 24, यहां से जो डिफरेंस आएगा आएगा 40, यहां से जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 89 से 145 56, ठीक है। और यहां से जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 72, ठीक है। तो प्लस 16 हुआ है तो प्लस 16 आप और ऐड कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 16, ऐड किया 8 और 8 88 ऐड करना है, 8 7 15, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कितना ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे, सिर्फ एक ही ऑप्शन, ठीक है। ऐड भी कर लेना, 305 ही आएगा, कितना आएगा, 305 ही आएगा, ठीक है। अगला देखिए मतलब डिफरेंस कैलकुलेट करना तो बच्चा कंपलसरी है, कई बार अपन डायरेक्ट चीजें क्लिक नहीं कर पाए बट डिफरेंस ऐसे अपने को दिखाई देगा तो हो सकता है हम डायरेक्टली चीजों को क्लिक कर पाए, ठीक है। जैसे इस प्रॉब्लम में देखें, पहला डिफरेंस 11 का था तो दूसरा डिफरेंस 121 का है बेटा, तीसरा डिफरेंस अगर 13 का है तो अगला डिफरेंस 169 का हुआ। अब यहां से यहां जाना है मुझे तो आई थिंक 17 का डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 17 का डिफरेंस है, ठीक है। तो प्राइम नंबर देन उसका स्क्वायर, प्राइम नंबर देन उसका स्क्वायर, तो 17, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 289 इसको ऐड कर देते हैं 386 के अंदर, कितना आएगा, 675 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। तो इससे अपने को काफी हेल्प मिल जाएगी अगर अपने डिफरेंस कैलकुलेट कर ले तो, ठीक है। जैसे मैंने पता है अब यहाँ पे 121 को अगर आप 121 ही रीड करते तो शायद ये चीज क्लिक नहीं होती, ठीक है। बट 121 को मैंने रिलेट किया 11 के स्क्वायर से रिलेट किया, ठीक है। अच्छा सेम प्रॉब्लम है, अगला देखिए। ठीक है, ये एक जीपी चल रही है, इसको मैंने इंटू 3/2 किया तो ये बना, इसको भी अगर मैंने इंटू 3/2 किया तो 9 बन जाएगा, इसको इंटू 3/2 किया तो 27/2 बना। अब 27/2 को इंटू 3/2 करता हूँ, ठीक है, तो ये बनेगा 81/4, और 81/4 को अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो 22 एंड 3/4 आ जाएगा, सॉरी 23 नहीं, 19, सॉरी 20 एंड 1/4 आएगा ना, 20 एंड 1/4 आएगा। तो आंसर इज नन ऑफ दीज, आंसर विल बी नन ऑफ दीज, चेक कर लीजिए एक बार, 91 आ रहा है, ठीक है। हाँ सही है, नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है। अगला देखिए,
0, 6, 24, 60, 120। अगर आप पहले डिफरेंस लेने जाओगे देन अपन देखते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस आया, देन यहाँ 18 का डिफरेंस आया, फिर यहाँ 36 का डिफरेंस आया, फिर यहाँ 60 का डिफरेंस। कुछ भी नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। तो एक बार दोबारा डिफरेंस ले लीजिए। यहाँ पे 12 का डिफरेंस आया, 18 का डिफरेंस आया, 24 का डिफरेंस आया, ठीक है। अब +6 +6 +6 हो रहा है, तो 24 + 6 करेंगे तो 30 होना चाहिए। 60 + 30 कितना होता है? 90 होता है। 120 + 90 कितना होता है? 210 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम की चीज़ और पता चलेगी हमको कि डिफरेंस के डिफरेंस में जाके एपी आया, डिफरेंस के डिफरेंस में जाके एपी आया है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई क्यूब का लॉजिक होगा, कोई ना कोई क्यूब का लॉजिक होगा, ठीक है। तो अगर मैं इन सब नंबर्स को ध्यान से देखूं, जैसे 120 है, क्या मैं इस 120 को मैं 5³ - 5 लिख सकता हूँ? ठीक है। 60 है, क्या 60 को मैं 4³ - 4 लिख सकता हूँ? ठीक है। 24 है, क्या 24 को मैं 3³ - 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे 6 को 2³ - 2 और 0 को 1³ - 1, ठीक है। तो जो लॉजिक बन रहा है वो ये बन रहा है कि n³ - n, जिस नंबर का क्यूब किया उसमें से वही नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर विल बी व्हाट? 6³ - 6। 216 - 6 कितना होता है? 210 होता है। कितना होता है? 210, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगला कीजिए, बहुत ही ट्रिकी प्रॉब्लम है ये, बहुत ही इजी भी है। देखो इनका अगर आप सेपरेट करोगे 1, 3, 5, 7 तो अगला आ जाएगा 9, ठीक है। यहां पे अगर आप बाद में देखोगे 4, 16, 36, 64, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर, 2, 4, 6, 8, तो अगला कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर, तो 9100, 9100, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है, तो यहां पे मैं कुछ चीजें देखता हूं। पहले अगर मैंने यहां पे डिवाइड बाय 2 किया तो ये बना था, अगर यहां मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो ये बना, तो यहां पे मल्टीप्लाई बाय 1 किया होगा और यहां पे अगेन डिवाइड बाय 4 हो गया। मतलब पहले मल्टीप्लाई बाय 1 देन डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 देन मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करना है इसको? 5 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 5, 5, 5 जा 25, 2, 2.5, ठीक है। डेसिमल में वैसे आंसर भी एक ही था, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, डिफरेंस लेके देख लेते हैं। हमारे 5 का डिफरेंस आया, देन यहाँ पे शायद 17 का डिफरेंस आया होगा, यहाँ पे आई थिंक 48 + 53, 53 का डिफरेंस आया होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है। बट मैं अगर ध्यान से देखूं, 2 जो है अगर उसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दो तो 7 बन रहा है, क्योंकि जो भी सारे नंबर मेरे को दिखाई दे रहे हैं ये अप्रोक्स 888 है, मतलब अप्रोक्स 3 टाइम्स है, ठीक है। तो अगर 3 टाइम्स करता हूं अगर 2 का तो 6 बनता है, बट +1 की रिक्वायरमेंट मेरे को होगी। इन द सेम वे अगर मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 21 आएगा, और +3 करता हूँ तो 24 बन जाएगा। इन द सेम वे 24 × 3 = 72 होगा, +5 किया तो 77 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 77 × 3, ओड नंबर ऐड हो रहा है। क्या नंबर ऐड हो रहा है? ओड नंबर ऐड हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8 आएगा। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरी कैलकुलेशन मैंने नहीं की है वैसे, क्यों? क्योंकि 7 × 3 = 21, यूनिट डिजिट 1, 1 + 7 = 8 हो जाएगा, तो आंसर विल बी 238, आंसर विल बी 238, ठीक है। बाकी अगर आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। ये जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है दैट इज 231 + 7 करोगे तो 238 आएगा, ठीक है। फटाक से कीजिए अगला, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है।
अगर आप डिफरेंस करने जाओगे सेम उसी चीज के अंदर फंस जाओगे दोबारा, ठीक है। बट 1 + 2 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 5 = 13, 13 + 8 = 21, मतलब प्रीवियस दो नंबर का सम इज द नेक्स्ट नंबर प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है, आप यहां पे एक बार डिफरेंस कैलकुलेट करके देखिएगा, 6834 नंबर बड़ा खतरनाक है, 6151, 3 आया 8 आया 7 में 6, तो ठीक है, तो पहला जो डिफरेंस है वो 683 का है, कितना आया 683 का, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे 6151 में से 5536 सबट्रैक्ट करता हूं, 5536, 11 माइनस 6 5 बचा, 11 माइनस 6 5 बचा 1, 11 माइनस 5 615, ठीक है। तो अगला डिफरेंस कितना आया 615 का है। अब अगर मैं 5536 में से 4983 सबट्रैक्ट करता हूं, ठीक है, 3 आएगा लास्ट में, ठीक है, 5 आएगा, 5 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 553। अब इन नंबर्स पे तो कुछ बन नहीं रहा, बट आप इन नंबर को ध्यान से देखो, 683 इज द फर्स्ट थ्री डिजिट ऑफ दिस नंबर, 615 15 फर्स्ट थ्री डिजिट ऑफ दिस नंबर, 553 फर्स्ट थ्री डिजिट, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं 4983 में से 498 माइनस कर दूं, तो मेरा अगला आंसर आ जाएगा, कितना माइनस करना है मेरे को 498, 13 में से 8 गया 5 बचा, एक ही मेरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मुझे पूरा कैलकुलेट ही नहीं करना, ठीक है। तो ऑप्शंस पे नजर रखिएगा, बाकी आप करोगे तो 4485 ही आने वाला है वैसे भी, ठीक है, इतना तो यकीन कर सकते हो। यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 4 4 - 4 और यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। तो लॉजिक कुछ नया था, कुछ अजीब था कि पहले तीन डिजिट का मतलब पहले तीन डिजिट को ही नंबर में से ओरिजिनल नंबर में से डिफरेंस करना है, ठीक है। अगला देखिए, डिफरेंस देखोगे, पहला डिफरेंस तो 11 का आया होगा, दूसरा डिफरेंस 22 का आया होगा, तीसरा डिफरेंस 33 का आया होगा, अगला डिफरेंस 44 का आना चाहिए, 8 4 12, आंसर इज ऑप्शन सी, ठीक है। अगर इसका आंसर होगा तो यही होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। 68 प्लस 44 करोगे तो 112 आंसर आपका आएगा, ठीक है। अगला कीजिए, यहाँ पे दो सीरीज चल रही है, पहली सीरीज चल रही है 2 6 12, दूसरी सीरीज चल रही है 30 20 12, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, 2 6 12 को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, 1 × 2 2 × 3 3 × 4, तो अगला क्या हो जाएगा 4 × 5, जो कि आई थिंक अपने को यही तो चाहिए, 2 6 12 20, आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। जो दूसरी सीरीज चल रही है वो चल रही है 30 20 12, सेम सीरीज चल रही है, इसको एक आगे नंबर बढ़ा दिया 5 × 6 4 × 5 3 × 4, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 20। बाकी अगर आप चाहो तो इसको 2 को 1² + 1 भी लिख सकते हो, 6 को 2² + 2 भी लिख सकते हो, 12 को 3² + 3 और 20 को 4² + 4, इन द सेम वे यहाँ पे 5² + 5, बाकी के नंबर मैंने आपको बता दिए, स्क्वायर माइनस 1 - 2 भी लिख सकते हो, 2 को 2² - 2, 6 को 3² - 3, 12 को 4² - 4, 20 को 5² - 5, तो तीन तरीके की, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैथमेटिकल वो है, मैंने कुछ कॉमन निकाल लिया, देन अपना आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, आंसर विल बी बी, ठीक है।
परफेक्ट क्यूब और स्क्वायर याद करने का ये फायदा है मेरा कि यहाँ पे मैं 129 को 5 क्यूब प्लस 4 लिख सकता हूँ, 68 को मैं 4 क्यूब प्लस 4 लिख सकता हूँ, ठीक है, 31 को मैं 3 क्यूब प्लस 4 लिख सकता हूँ, ठीक है, 12 को मैं 2 क्यूब प्लस 4 लिख सकता हूँ, और 5 को मैं 1 क्यूब प्लस 4 लिख सकता हूँ। तो अगला आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 6 क्यूब प्लस 4, और 6 क्यूब कितना होता है, 216, प्लस 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। बाकी आप चाहो तो इसको डिफरेंस का डिफरेंस लेके करोगे तो डिफरेंस का डिफरेंस में आपके सामने एक एपी दिख जाएगी, उससे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, ठीक है, एनटीएससी नंबर सीरीज के बारे में, ठीक है। आज शाम को फिर मिलेंगे अपन 10 बजे, तो मिसिंग टर्म एंड फिगर अपन वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आना चाहते हैं, मेरा रेफरल कोड है ASSIRLIV, अनअकैडमी पे आने के लिए आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जो हमारा है T.ME/LetsCrackOlympiad, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको अपकमिंग वीडियोज के बारे में अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। और भी जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए, आपके आपको इस बुक के बारे में नहीं पता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन हो, चाहे किसी भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी हो, प्लानिंग हो, ठीक है, आप यूट्यूब में कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। बेल आइकन को आप दबा दीजिएगा, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू।